बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो बाय डब्ल्यू फाइनेंस एकेडमी। इस वीडियो में हम एक इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ब्रांच हेड ऑफिस को एडवांस पे करती है अपने बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इस ट्रांजेक्शन का बैकग्राउंड ये है कि एक कंपनी की हेड ऑफिस और ब्रांच की मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाह रही होती है और ये देख रही होती है कि उनके बैंक्स में जो पैसे पड़े हुए हैं उन पे उसको किस तरह इन्वेस्ट किया जाए कि उस पे एक अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मिले एंटिटी को। तो कंपनी की ब्रांच और हेड ऑफिस की मैनेजमेंट अपने अपने बैंक्स को अप्रोच करती है और उनसे कोट्स मांगती है कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न ऑफर कर रहे हैं या कर सकते हैं। दोनों के बैंक्स रिस्पॉन्ड करते हैं और फिर जब कंपैरिजन किया जाता है तो ये नतीजा निकलता है कि हेड ऑफिस का ब्रांच जो है, हेड ऑफिस का बैंक जो है वो ब्रांच के मुकाबले में बेहतर प्रॉफिट ऑफर कर रहा होता है। तो अल्टीमेटली डिसीजन ये लिया जाता है कि ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को पैसे ट्रांसफ़र कर देगी और हेड ऑफिस ब्रांच के बिहाफ पे और अपने बिहाफ पे भी जो भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा। तो ये पूरी ट्रांजेक्शन एडवांस देने से लेकर इन्वेस्टमेंट मच्योर होने तक और फिर ब्रांच को पैसे वापस मिलने तक किस तरह रिकॉर्ड होगी, ब्रांच की बुक में इसकी किस तरह रिकॉर्डिंग होगी और हेड ऑफिस बुक में इसकी किस तरह रिकॉर्डिंग होगी, इसको देख लेते हैं। हम देखते हैं कि जिस वक्त ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे एडवांस पे करेगी उस वक्त ब्रांच की बुक में और हेड ऑफिस की बुक में क्या एंट्री होगी, जब हेड ऑफिस इन्वेस्टमेंट परचेज करेगा उस वक्त क्या एंट्री होगी, जब इन्वेस्टमेंट मच्योर होगी उस वक्त क्या एंट्री होगी और इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट मिला होगा वो हेड ऑफिस ब्रांच को किस तरह अप्रोप्रिएट करेगी या अपॉर्शन करेगी और फिर ब्रांच को पैसे वापस कैसे मिलेंगे और जब पैसे वापस मिलेंगे तो उसकी क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट हो रही होगी जब ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे देगी तो उस वक्त क्या एंट्री होगी। जिस वक्त ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे दे रही होगी इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस वक्त क्या होगा, ब्रांच के बैंक अकाउंट से पैसे निकल के हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। लेट से ब्रांच ने 1 लाख रुपए दिए हैं हेड ऑफिस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ब्रांच के बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे और हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डेबिट हो जाएंगे, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। ब्रांच के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गए, ब्रांच के बैंक अकाउंट से निकल गए, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में डेबिट हो गए, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में आ गए। ठीक है, तो ये तो हो गया पैसों का ट्रांसफर। अब ब्रांच ने क्योंकि पैसे दिए हैं हेड ऑफिस को इन्वेस्टमेंट करने के लिए और बाद में ब्रांच रिकवर भी करेगी तो ब्रांच अपने पास एक रिसीवेबल बुक कर लेगी फ्रॉम हेड ऑफिस और उसको वो नाम देगी एडवांस अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट। टू हेड ऑफिस एक लाख रुपए दिए हैं तो 1 लाख रुपए का रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। इसी तरह हेड ऑफिस के पास 1 लाख रुपए ब्रांच से आए हैं तो हेड ऑफिस ने क्योंकि पे बैक करने हैं मैच्योरिटी के बाद तो हेड ऑफिस अपने पास एक पेएबल बुक कर लेगा, एक लाइबिलिटी बुक कर लेगा, उस लाइबिलिटी को हेड ऑफिस नाम देगा एडवांस अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी एडवांस अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट पेएबल टू ब्रांच।
है, और यही सेम 1 लाख से लाइबिलिटी बुक हो जाएगी हेड ऑफिस की बुक में। ठीक है, तो ये तो हो गई ट्रांसफर फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस फॉर इन्वेस्टमेंट। जिस वक्त हेड ऑफिस इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहा होगा, उस वक्त हेड ऑफिस अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देगा हेड ऑफिस, और हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। लेट्स से हेड ऑफिस टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1 मिलियन की, जिसमें से 1 लाख ब्रांच से आए हुए पैसे हैं और 9 लाख इसके अपने हैं। लेट्स से के 3 मंथ्स मैच्योरिटी के उसने हेड ऑफिस ने TDR परचेज किए हैं, और मैच्योरिटी पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होगी वो 25% होगी, और मैच्योरिटी के बाद जो प्रॉफिट मिलेगा हेड ऑफिस को वो 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा, और ये 250,000 सेम 9:1 के रेशियो में ब्रांच और हेड ऑफिस में अपॉर्शन हो जाएगा बाद में। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट परचेज की ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं। जिस वक्त इन्वेस्टमेंट परचेज की हेड ऑफिस की बुक में इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट से डेबिट हो जाएगी, और हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से पैसे निकल के इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, और हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट की परचेज के टाइम पे ब्रांच में कोई एंट्री बनेगी ब्रांच के बुक में? नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हेड ऑफिस ने परचेज की है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की एंट्री इन्वेस्टमेंट परचेज की एंट्री हेड ऑफिस की बुक में होगी, ब्रांच इस वक्त अपने पास कोई एंट्री नहीं बनाएगा। इसके बाद लेट्स से 3 महीने बाद जब इन्वेस्टमेंट मच्योर होगी, तो उस वक्त क्या एंट्री बनेगी? जो इन्वेस्टमेंट की थी वो इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट से क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगी, ब्रांच के बैंक हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में, सॉरी हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाएगा, या इसको ऐसे कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट जो की थी वो मच्योर होके क्रेडिट हो जाएगी, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से इनकम क्रेडिट हो जाएगी हेड ऑफिस की बुक में। और 250,000 का प्रॉफिट अर्न हुआ है, तो 250,000 से इनकम क्रेडिट हो जाएगी हेड ऑफिस की बुक में, और हेड ऑफिस का बैंक अकाउंट प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, मैच्योरिटी के वक्त ये एंट्री हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो 250,000 का प्रॉफिट है, हेड ऑफिस की बुक में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1 मिलियन की थी, उस 1 मिलियन में 1 लाख हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे इन्वेस्ट किया था और 9 लाख उसके अपने थे, तो जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है ये प्रॉफिट भी 9:1 के रेशियो में एलोकेट होना है बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। तो इस 250,000 में जो ब्रांच का प्रॉफिट होगा वो 25,000 होगा, और हेड ऑफिस का जो प्रॉफिट होगा वो 225,000 होगा। अब मैच्योरिटी होने के बाद, इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी होने के बाद अगर देखा जाए, तो हेड ऑफिस के पास जो अब पैसे पड़े हुए हैं ब्रांच की बिहाफ पे, पेबल टू ब्रांच, जो इन्वेस्टमेंट मैच्योर होने के बाद पैसे पड़े हुए हैं वो 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट पड़ी हुई है, और 25,000 जो प्रॉफिट में ब्रांच का पोर्शन है वो भी पड़ा हुआ है। तो इस वक्त हेड ऑफिस के पास ब्रांच के बिहाफ पे टोटल 125,000 रुपीज पड़े हुए हैं, और हेड ऑफिस की बुक्स में अगर देखा जाए तो इस वक्त जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड हुई भी है हेड ऑफिस बुक में टू ब्रांच, वो फिलहाल 1 लाख रिकॉर्ड हुई भी है हेड ऑफिस की बुक में। अब इस लाइबिलिटी को 25,000 से बढ़ाना है, क्योंकि मच्योर होने के बाद, इन्वेस्टमेंट के मच्योर होने के बाद 25,000 जो प्रॉफिट का है वो भी हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच के बिहाफ पे पड़ा हुआ है। तो अब हमें लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है इस अमाउंट से, और प्रॉफिट को भी अपॉर्शन करना है बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मच्योर होने के बाद हेड ऑफिस प्रॉफिट अपॉर्शन करेगा
ब्रांच को, तो प्रॉफिट अपॉर्शन करने के लिए, सॉरी, प्रॉफिट अपॉर्शन करने के लिए हेड ऑफिस अपनी बुक में क्या एंट्री बनाएगा? हेड ऑफिस अपने पास एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेगा अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट टू ब्रांच के नाम से, या प्रॉफिट अपॉर्शन टू ब्रांच के नाम से एक एक्सपेंस बुक कर लेगा। और कितना प्रॉफिट अपॉर्शन करना है ब्रांच को? 25,000 का प्रॉफिट अपॉर्शन करना है, तो 25,000 से एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लेगा प्रॉफिट अपॉर्शन टू ब्रांच के नाम से, और इस एक्सपेंस के अगेंस्ट एक लाइबिलिटी बुक कर लेगा प्रॉफिट पेएबल टू ब्रांच के नाम से। से ठीक है, तो हेड ऑफिस प्रॉफिट को अपॉर्शन करने के लिए हेड ऑफिस अपनी बुक में एक एक्सपेंस बुक कर लेगा और उस एक्सपेंस के अगेंस्ट एक लायबिलिटी बुक कर लेगा जो कि पेबल है ब्रांच को। जब हेड ऑफिस ब्रांच को प्रॉफिट अपॉर्शन कर देगा तो हेड ऑफिस की बुक में क्या पोजीशन हो जाएगी प्रॉफिट अपॉर्शन करने के बाद? हेड ऑफिस के पास इस वक्त ब्रांच के बिहाफ पे 1,25,000 रुपये पड़े हुए हैं, और हेड ऑफिस की बुक में लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड हुई है ब्रांच के बिहाफ पे, ब्रांच को पेएबल 1 लाख का प्रिंसिपल रिकॉर्ड हुआ हुआ है, और 25,000 से इस लाइबिलिटी को बढ़ाना था प्रॉफिट अपॉर्शनमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए। तो प्रॉफिट अपॉर्शनमेंट रिकॉर्ड कर लेने के बाद हेड ऑफिस की बुक में ब्रांच को जो पेएबल होगा वो 1 लाख प्रिंसिपल अमाउंट पेएबल है और 25,000 का प्रॉफिट पेएबल है। तो प्रॉफिट अपॉर्शन कर लेने के बाद हेड ऑफिस के पास जो पैसे पड़े हुए हैं 125,000 ब्रांच को पेएबल, लाइबिलिटी भी उतनी ही रिकॉर्ड हो चुकी है प्रॉफिट अपॉर्शन कर लेने के बाद। इसी तरह ब्रांच की बुक में देखा जाए तो ब्रांच की बुक में इस वक्त जो हेड ऑफिस से रिसीवेबल बुक हुआ हुआ है वो 1 लाख का हुआ हुआ है, और जबकि जो एक्चुअल रिसीवेबल है ब्रांच को हेड ऑफिस से वो 125,000 है। तो इस रिसीवेबल को ब्रांच की बुक में भी इस रिसीवेबल को 25,000 से इंक्रीज करना है। इस रिसीवेबल को ब्रांच की बुक में भी 25,000 से इंक्रीज करना है क्योंकि अब ब्रांच को भी हेड ऑफिस से 125,000 रिकवर करने हैं। तो हेड ऑफिस ने तो प्रॉफिट अपॉर्शन कर दिया ब्रांच को, अब ब्रांच अपने पास उस अपॉर्शनमेंट को किस तरह रिकॉर्ड करेगा वो देख लेते हैं। ब्रांच प्रॉफिट के अपॉर्शनमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अपने पास एक इनकम रिकॉर्ड कर लेगा और उस इनकम को नाम देगा प्रॉफिट अपॉर्शन फ्रॉम हेड ऑफिस। $25,000 से, और इस इनकम के अगेंस्ट एक रिसीवेबल बुक कर लेगा हेड ऑफिस से और उसको नाम देगा प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट रिसीवेबल फ्रॉम हेड ऑफिस। प्रॉफिट रिसीवेबल फ्रॉम हेड ऑफिस सेम 25,000 से। अब ब्रांच ने अपनी बुक में प्रॉफिट की अपॉर्शन रिकॉर्ड कर ली तो ब्रांच की बुक में भी रिसीवेबल की जो पोजीशन हो गई वो 125,000 हो गई, यानी प्रॉफिट अपॉर्शनमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ब्रांच को हेड ऑफिस से कितने पैसे मिलने हैं? 125,000 मिलने हैं ब्रांच को हेड ऑफिस से। ब्रांच को हेड ऑफिस से 125,000 मिलने हैं। अपॉर्शनमेंट रिकॉर्ड करने से पहले जो रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ हुआ था 1 लाख रिकॉर्ड हुआ हुआ था, इस रिसीवेबल को 25,000 से इंक्रीज करना था। इस रिसीवेबल को 25,000 से इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट की अपॉर्शनमेंट रिकॉर्ड कर ली,
ब्रांच ने अपने पास हेड ऑफिस से एक रिसीवेबल बुक कर लिया और एक इनकम बुक कर ली अपॉर्चुनमेंट ऑफ प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। तो अब रिसीवेबल भी 125,000 पे आ गया, 1 लाख से प्रिंसिपल अमाउंट और 25,000 से प्रॉफिट की अपॉर्चुनमेंट जो हेड ऑफिस से रिसीवेबल है ब्रांच को, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड हो गई अपॉर्चुनमेंट ऑफ प्रॉफिट। अब जब हेड ऑफिस ब्रांच को पैसे वापस करेगा तो ब्रांच के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट से पैसे चले जाएंगे। ठीक है। हेड ऑफिस जब पेमेंट कर रहा होगा तो क्या होगा कि जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी हेड ऑफिस ने, उसको प्रिंसिपल अमाउंट से डेबिट करके वो लाइबिलिटी खत्म कर देगा। जो अपॉर्चुनमेंट ऑफ प्रॉफिट के अगेंस्ट लाइबिलिटी रिकॉर्ड की थी हेड ऑफिस ने, उस लाइबिलिटी को डेबिट करके खत्म कर देगा। लाइबिलिटी को डेबिट करके खत्म कर देगा और टोटल पैसे बैंक से कितने जा रहे होंगे, प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट 125,000 हेड ऑफिस के बैंक से चले जाएंगे। ब्रांच के बैंक अकाउंट में ये पैसे आ जाएंगे तो ब्रांच प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट टोटल अमाउंट ब्रांच के बैंक अकाउंट में आ जाएंगे और ब्रांच ने जो प्रिंसिपल अमाउंट के अगेंस्ट रिसीवेबल बुक किया था, एडवांस बुक किया था, उस एडवांस को क्रेडिट करके खत्म कर देगा और प्रॉफिट के अगेंस्ट जो रिसीवेबल बुक किया था उस प्रॉफिट रिसीवेबल को क्रेडिट करके खत्म कर देगा। इस तरह फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी और इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन पैसे देने से लेकर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बाद अपॉर्चुनमेंट ऑफ प्रॉफिट और फाइनल सेटलमेंट तक ये सारी ट्रांजेक्शन इस तरह से ट्रीट होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।